हेलो एवरीवन, आज हम एक बोर्ड का मतलब डेस्कटॉप मदरबोर्ड है ये हमारे पास, थोड़ा पुराना है लेकिन समझाने के लिए परफेक्ट है। और इसमें हम क्या चेक देखेंगे आज कि फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक किया जाता है। अब तक जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी चेकिंग बहुत कम वीडियो में दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेकिंग करने के लिए अलग सा मशीनरी यूज होता है जो कि नॉर्मल मल्टीमीटर से पॉसिबल नहीं है। तो पहले ही बता दूं मैं कि फ्रीक्वेंसी इस बोर्ड में बहुत जगह में वोल्टेज के साथ साथ भी जाता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, यहां पर थोड़ा देखिए कि यहां पर एक आईसी है, उसके साथ एक क्रिस्टल है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक क्रिस्टल। इसमें फ्रीक्वेंसी रहता है इसका 14.318 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसमें रहता है। तो इस क्रिस्टल का अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक कर पाए तो हमें एक थोड़ा बहुत ब्रीफिंग आइडिया मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेक किया जाता है। तो जिस मशीनरीज को आज हम यूज करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, उसको बोला जाता है FCM या फ्रीक्वेंसी काउंटर मीटर। थोड़ा इधर गौर कीजिए आप कि इसको, ये जो चीज आप देख पा रहे होंगे डीवीडी ड्राइव जैसा पुराने जमाने का, ये होता है फ्रीक्वेंसी काउंटर मीटर। तो यहां पर कंपनी नेम, मॉडल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पर थोड़ा फोकस कीजिए, यहां पर देखिए लिखा है कि इनपुट ये है, बी का इनपुट ये है, ए का इनपुट, मतलब किसी एक में हम ये प्रॉप लगाएंगे। उसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप है दो, इधर देख पा रहे होंगे आप, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का। इसका काम क्या होता है देखिए, यहां पे हम 3 वोल्ट मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर वोल्टेज हो जाएगा तो हमें इसमें जाना पड़ेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, नॉर्मली हमारे बोर्ड में क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ता है ना तब फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से थोड़ा घट जाता है। इसीलिए यहां पे देखिए कि 3 वोल्ट मैक्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज़ से 2.7 गीगाहर्ट्ज़, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है ये, ठीक है। हर्ट्ज़ जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, उसके ऊपर आता है किलो हर्ट्ज़, उसके ऊपर मेगाहर्ट्ज़, ऐसे करके उसके ऊपर गीगाहर्ट्ज़ आता है वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत, मतलब जिसका वोल्टेज जितना कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होने का चांसेस होता है नॉर्मली, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज का होता नहीं है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कभी हाई या लो होता है या करना पड़ता है, तो हाई वोल्टेज को हम हाई लो फ्रीक्वेंसी में तब्दील नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पे वोल्टेज लो होता है। और उस तरह यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ इनपुट 10 हर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़, इसका इनपुट आप देख सकते हैं 250 वोल्ट तक, मतलब नीचे वाला का वोल्ट ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम और ऊपर वाला का वोल्ट कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है। यहां पर हम पहले सबसे पहले बता दें कि एक मदरबोर्ड में नॉर्मली 3 क्रिस्टल रहता है, एक क्लॉक क्रिस्टल रहता है, ये देखिए ये साउथ ब्रिज है, ये आरटीसी, ये जो एक चीज देख पा रहे होंगे आप, ये वाला ये एक क्रिस्टल है, इसको बोला जाता है आरटीसी क्रिस्टल, ठीक है। इसका वैल्यू किलो हर्ज में आता है, इसका वैल्यू मेगा हर्ज में आता है। तो हम पहले इस जो क्रिस्टल है इसका फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं वो सिर्फ हम देख लेते हैं कि प्रोसीड्योर क्या है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को ऑन कर लिए, पुराने जमाने का है इसलिए शॉर्टिंग की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये बीप इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसमें रैम नहीं है, इसलिए छोड़िए, रैम फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए रैम का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो इधर देखिए कुछ वैल्यू कंटिन्यूअसली दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 14 मेगाहर्ट्ज़ चेक कर रहे हैं, ये हमें पता है, इसलिए हमने 100 मेगाहर्ट्ज़ में इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज़ में इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ से कम हम चेक करते तब 10 में फिक्स करते हैं हम इसको। यहाँ पर बहुत सारा फंक्शनल कीज दिया गया है, हाँ, तो ये पहले हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए गेट और टाइम, मतलब ये टाइम डिनोट करता है, यहाँ पे देखिए 0.01 सेकेंड लिखा है, उसके बाद 0.1 सेकेंड, उसके बाद सिर्फ 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम 0.01 सेकेंड चूज करते हैं क्योंकि सबसे कम टाइम में कितना फ्रीक्वेंसी देता है वो दिखाया जाएगा। यहां पर देखिए मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया, यहां पर मेगाहर्ट्ज़ का मेगाहर्ट्ज़ में एलईडी जल रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले बोर्ड ऑन कर लीजिए, और फ्रीक्वेंसी चेकिंग भी पैरेलल प्रोसेस में ही होता है, जैसे कि एक ब्लैक प्रॉप जाएगा ग्राउंड में और एक क्रिस्टल के लेग में हमें पकड़ना पड़ेगा रेड प्रॉप, ठीक है। हम जस्ट टच करते हैं, उसके बाद आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आता है।
0.17 बता रहा। इधर देखिए आप 14.317, ये इसका वैल्यू है 14.318 मेगाहर्ट्ज, ये यहां पर दिखा रहा है 0.01 सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अब हम अगर एक सेकेंड में गेट पल्स हम अगर चेक करने जाए, या ये चेक किए थे हमने पिछले बार का कि 0.01 सेकेंड में, अब जो चेक करेंगे वो है 0.1 सेकेंड में, मतलब 10 सेकेंड का, एक सेकेंड का 10 भाग का एक भाग में कि कितना पल्स आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है 0.1 सेकेंड में। इसमें भी देखिए 14.318, ठीक है, ये थोड़ा टच इधर उधर हो रहा है इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग हो रहा है। नॉर्मली इसका 14.318 होता है, एक सेकेंड। तो इधर देखिए 0.14.316 मेगाहर्ट्ज, यह है 0.1 सेकेंड के हिसाब से। अब इस तरह से और भी बहुत सारा क्रिस्टल यहाँ पे होता है, जैसे कि ये आरटीसी क्रिस्टल होता है, लैंड क्रिस्टल होता है, वो सब हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो मल्टीफंक्शनल ये एफसीएम है, इसमें बहुत सारा चीज और भी दिखाया जाता है, तो जो कि इस वीडियो में इतना सारा एक बार में डिस्कस करना संभव नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट बार में बाकी सारा जो फ्रीक्वेंसीज आता है, जैसे कि पीसीआई स्लॉट में हो गया, क्लॉक आईसी में हो गया, सीपीयू में हो गया, वो सब चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।